अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूँ आपका होस्ट अदिल पठान और आप देख रहे हैं टेक्निकल पठान चैनल। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब दोस्त ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम व्हाट्सएप के पांच वो टिप्स देखने वाले हैं जो बड़े ख़तरनाक भी है और बड़ी ज़रूरी भी है। दोस्तों, आज की वीडियो में बिल्कुल हम यही सीखने वाले हैं कि हम ऐसी पाँच चीज़ें हैं, ऐसे सीक्रेट चीज़ें हैं जिसके बारे में हमको पता ही नहीं होता और वो चीज़ हमसे मतलब बेहतियाती में रह जाती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम ये जस्ट यही सीखने वाले हैं बिल्कुल शुरू से। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट की जाती है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, क्योंकि इस चैनल पर मैं अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहता हूँ। तो चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये है मेरा व्हाट्सअप, मैंने व्हाट्सअप अपना ओपन कर लिया और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मैंने जिसके साथ चैट की हुई है। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाता हूँ कि आखिरकार मैंने जो मैसेज भेजी है वो उसने किस टाइम पे देखी है, उसने जो हमारा ओपोनेंट है उसने किस टाइम हमारे मैसेज को देखी है। जैसे हम यहाँ पे मैसेज करते हैं और जैसे हमारा मैसेज चला जाता है और उसमें डबल टिक हो जाता है, फिर उसके बाद हमारा जो मैसेज होता है वो मतलब ब्लू टिक नहीं हो जाता है, सिर्फ डबल टिक ही हो जाता है, लेकिन उस पर जो ब्लू कलर है वो नहीं आता। तो अगर हमको बाद में हम अपना व्हाट्सअप अपर कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि उसने हमारे मैसेज को देख लिया है, तो हमको कैसे पता चलेगा कि उसने मेरे मैसेज को देख लिया है? ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने ये मैसेज सेंड कर दिया और उसने मेरे मैसेज को देखा नहीं अभी, अभी मैं सोचूंगा, अभी मैंने 6:58 पर ये मैसेज सेंड कर दिया, अभी मैं देखूंगा कि ये किस टाइम मेरा मैसेज देखता है, तो उसके उसका पता मुझे कैसे चलेगा? दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मैंने मैसेज भेजा है, मी टू थैंक यू। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसके ऊपर क्लिक करूँगा, क्लिक करके उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो डिलीट का ऑप्शन है, यहाँ पे एक घड़ी आती है, कुछ फ़ोन्स में आते हैं, कुछ स्मार्टफोन ऐसे होता है कि यहाँ पे एक घड़ी एक वॉच सा आ जाता है, तो आपको वो दबाना पड़ेगा तो उसके बाद आपको दिख जाता है। अगर आपके फ़ोन में नहीं आता तो उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आपकी ये साइड पर आपको तीन टिक निशान दे रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, उसके बाद आपको क्लिक करना है इन्फो पे। दोस्तों, जब आप इन्फो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उसने कल हमारे मैसेज 8:11 पर देखी, और मैंने जब सेंड किया था तो 8:11 पे मैंने सेंड किया था इसको। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों चलते हैं हमारा दूसरे ट्रिक की तरफ। दूसरा ट्रिक हमारा क्या है, दूसरे ट्रिक में हमारा ये है, जब आपको नंबर कोई सेव कर लेता है, आप जिसको मैसेज कर लेते हो और उसको आपका नंबर उसके पास सेव रहता है, मतलब आपका कोई फ्रेंड हो गया, सीक्रेट बंदा हो गया, और आपसे वो छुप के आपसे बात करता है और आप ये चाहते हैं कि उसके फ्रेंड को मेरा नंबर शो ना करे, जैसे आपका दोस्त का फ़ोन है और वो किसी और के हाथ में चला जाए और वो आपके प्रोफाइल को ओपन कर लेते हैं, जैसे आप यहाँ पे ये नंबर को मैं ओपन कर लेता हूँ और ये सास ऊपर प्रोफाइल पे मैं क्लिक कर लेता हूँ और ये नीचे जो नंबर आ रहा है यहाँ पे मैं ऊपर ना नेम से भी सेव कर लूँगा तो यहाँ पर इसका नंबर ज़रूर शो करेगा। तो दोस्तों, ये इसको हाइड करने के लिए आपको क्या करना होगा कि ये नंबर किसी को भी ना दिखे। तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, आपको ओपन तीन टिक पे क्लिक करना है, टिक करने के बाद आपको सेटिंग पे क्लिक करना है, सेटिंग करने के बाद आपको क्लिक करना है अकाउंट पे, अकाउंट के बाद आपको क्लिक करना है प्राइवेसी पे, और प्राइवेसी से जब नीचे पाओगे तो प्रोफाइल से नीचे आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर अबाउट है। तो अबाउट में क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे आप ये करना चाहते हैं कि सिर्फ मेरे कंटेक्ट को ये नंबर शो करे, मतलब जो मेरे कंटेक्ट के जो मेरे पास सेव है उसको शो करे। अगर आप उसको शो करेंगे तो फिर भी ये नंबर हाइड नहीं रहेगा। तो आप सबसे अच्छा काम क्या है, आप नो बॉडी पर लगाएं, तो नो बॉडी पर जब आप लगाएंगे तो आपका नंबर किसी को भी शो नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया दूसरा ट्रिक, अभी हम जा रहे हैं तीसरे ट्रिक की तरफ। अच्छा दोस्तों, हमारा तीसरा ट्रिक क्या है, उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाता हूँ। इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, वो है ऐप लॉकर। दोस्तों, ये एक ऐप लॉकर है, आपको इसको इंस्टॉल करना है, ये आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर से। तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको लॉगिन लगाना है पासवर्ड, तो पासवर्ड आप कोई भी लगा सकते हैं, तो मैं लगा लेता हूँ ये वाला, मैंने पासवर्ड लगा दिया। उसके बाद आपने लगाना है अपना ईमेल अकाउंट, तो मैं अपना ईमेल अकाउंट भी डाल लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैंने ईमेल अकाउंट भी लगा दिया, उसके बाद मैंने डन कर लिया। दोस्तों, यहाँ से आपको इसको सेव करना है, ये जो हमने ईमेल डाली है इसने हमने इसको सिक्योरिटी करने के लिए लगाई है। उसके बाद आपको इसको इनेबल करना है, हमने इनेबल कर दिए, उसके बाद आपने इसको अलाउ करना है दोस्तों। तो मैं अपने फ़ोन में इसको अलाउ कर लेता हूँ, तो ऑलरेडी मेरे पास ये अलाउ तो नहीं है क्योंकि मैंने इसको अभी ओपन कर लिया, तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसको मैं अलाउ कर लेता हूँ। अलाउ करने के बाद मैं उसको दोबारा निकल लेता हूँ,
निकलने के बाद हमने यहाँ पे इसको सेव कर लिया। उसके बाद आपको दोस्तों यहाँ पे आपसे दो ऑप्शन मांग रहे हैं, आपको पैटर्न कोड लगाना है या दूसरा कोई कोड लगाना है। तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, आपको सबसे नीचे आपको यहाँ पे एक दूसरा ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे हाइड, एक है हाइड वीडियो फोल्डर, एक है हाइड मतलब कुछ किसी को कुछ भी ना देखे। तो यहाँ पे है ड्रग मोड, तो आपको ड्रग मोड को इनेबल करना है दोस्तों। जब यहाँ यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उसके लिए हम क्या करना होगा, हमको जाना है व्हाट्सएप पे, और जो व्हाट्सएप पे हम जाएंगे तो यहाँ से ये इसके ऊपर ये पासवर्ड आ जाएगा। तो आप हर एप्लीकेशन को लॉक कर किसी भी एप्लीकेशन को आप लॉक कर सकते हैं, आप वो फेसबुक को भी लॉक कर सकते हैं, आप मैसेंजर को भी लॉक कर सकते हैं। उसके ऊपर आपको ये वाला कोड लगाना पड़ेगा, कोई भी आपका पासवर्ड हो आप उस कोड पासवर्ड को लगा के उसके बाद आपका ये जो वो कोड है ये ओपन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों ये हो गया तीसरा ट्रिक, अब हम जा रहे हैं चौथे ट्रिक की तरफ। तो चौथा ट्रिक हमारे पास क्या है दोस्तों, उसके लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों, अभी हमने व्हाट्सएप पे पासवर्ड लगा लिए, तो हमारे पास चौथा ट्रिक क्या है, उसके लिए आपको क्या करना होगा, वो है आपको जाना पड़ेगा यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पे आपको जाना है अकाउंट पे, अकाउंट के बाद जाना है आपको प्राइवेसी पे, और प्राइवेसी के बाद आपको जाना है यहाँ पर ग्रुप पर। तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो आपको ग्रुप है यहाँ पे जो आपको लगाना है माई कंटेक्ट पे, इसका फ़ायदा क्या होगा दोस्तों, इसका फ़ायदा ये है कि जब आप किसी ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हो, आपको कोई ज्वाइन कर लेता है और आपका जो नंबर होता है वो सारे कंटेक्ट को शो करता है, जितने भी ग्रुप्स में 24 बंदे होते हैं 25 बंदे होते हैं उसको शो करता है। जब आप इसको मतलब उसको आप रखेंगे, ये जो आपका ग्रुप है इसको सिर्फ माई कंटेक्ट में रखेंगे, जब आप इसको माई कंटेक्ट में रखेंगे तो उसके बाद जो आपका मतलब जो डेटा है वो मतलब नंबर है वो किसी को शो नहीं करेगा। तो अभी मैंने इसको माई कंटेक्ट पे लगा लिया, उसके बाद मैंने डन पे क्लिक कर लिया, तो जो मैं किसी ग्रुप को ज्वाइन करूँगा उसके बाद जब मैं लीव करूँगा तो ये किसी को मतलब शो नहीं करेगा मेरा नंबर, जो मेरा कंटेक्ट है उसके अंदर जो मेरे पास सेव कंटेक्ट नंबर्स हैं उसको शो करेगा, या मेरा नंबर उसके पास सेव है उसको शो करेगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपको मैं लेके जाता हूँ पाँचवें ट्रिक की तरफ। पांचवा ट्रिक क्या है दोस्तों, उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, आपको जाना पड़ेगा, अब मेरे पास एक एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर से, तो इसका नाम है, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से मैं इसको अलाउ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों इसका फ़ायदा क्या है, अभी आपको एक बंदे को एक साथ आपने मैसेजेस भेजने हैं, 100 मैसेजेस भेजने हैं, 50 मैसेजेस भेजने हैं, तो आपको बार बार टाइप करना नहीं पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल लिख लेता हूँ आई लव यू, और उसको मैं यहाँ से मैं रख लेता हूँ चलो 50 पर रख लेता हूँ, ठीक है दोस्तों, और उसको मैं सेंड पे क्लिक कर लेता हूँ। तो सेंड करने के बाद मुझे यहाँ पे जो नंबर है, मैं पहले पासवर्ड ओपन कर लूँ, यहाँ पे जो स्टाफ वाला है मुझे यहाँ पे इसको सेंड करना है, जब मैं यहाँ पे सेंड करूँगा तो यहाँ पे मुझे सेंड पे क्लिक करना है। तो अभी दोस्तों ये आहिस्ता आहिस्ता अपने हिसाब से इसके पास मुख्तलिफ टाइमिंग में जाएगा 50 मरतबा आई लव यू, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया पांचवा ट्रिक। अच्छा दोस्तों इसके साथ ही मैं एक और एक्स्ट्रा जो है ना ट्रिक आप लोगों के साथ मैं शामिल करना चाहता हूँ। तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, आपको जाना पड़ेगा सेटिंग में, सेटिंग के बाद आपको अकाउंट क्लिक करना है, अकाउंट के बाद आपको क्लिक करना है प्राइवेसी पे, सॉरी आप प्राइवेसी पे क्लिक करना है। प्राइवेसी के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको देख सकते हैं यहाँ पे प्रोफाइल फ़ोटो, जो दोस्तों प्रोफाइल फ़ोटो आप किसको दिखाना चाहते हैं, अभी यहाँ पे आप जब एवरीवन पे लगाना चाहेंगे तो आपका जो प्रोफाइल फ़ोटो है वो सबको दिखाई देगा, अभी जो आप नोबॉडी पे लगाएंगे तो ये किसी को भी दिखाई नहीं देगा, अगर आप माय कंटेक्ट पे लगाएंगे जो आपके पास कंटेक्ट में सेव लोगे उसको दिखाएगा, और आप जिसके पास कंटेक्ट में सेव हो उसको दिखाई देगा। तो ये हो गया छठा ट्रैक। तो दोस्तों वीडियो कैसे लगे, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।